हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हैं हम मेट्रो स्टेशन में। तो ये कहाँ का मेट्रो स्टेशन है? तो ये है पालम का मेट्रो स्टेशन। तो चलिए अभी हम लोग पालम का मेट्रो स्टेशन टिकट लेते हैं और चलते हैं अक्षरधाम की ओर। तो हम लोग आज जा रहे हैं, 15 अगस्त का दिन है। हैप्पी, आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सारे इंडियावासी को। तो चलिए चलते हैं अक्षरधाम के लिए। तो टिकट लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ऑनलाइन टिकट बुक करना है तो उसका प्रोसेस हम बता रहे हैं। पहले आप इंग्लिश टिको, फिर आप QR टिकट में क्लिक करो, फिर आपको जाना कहाँ है, अक्षरधाम ना, ए, फिर इसके बाद के आ गया ये तो। अक्षरधाम पे क्लिक कर लो। कितने लोग हो? 2 लोग हो, उस पर क्लिक कर लो। तो अक्षरधाम का 2 टिकट 80 रुपये का है, तो आप कर दो UPI पेमेंट। ठीक है, अब स्कैन। अब हम इसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। 120 सेकंड के अंदर पेमेंट करना है, नहीं तो फिर ये एक्सपायर हो जाएगा। अभी आप देखिएगा पूरा प्रोसेस। अब हम 80 रुपीज़ पेमेंट करेंगे और टिकट कहाँ से निकलेगा वो भी रिक्शा आपको दिखाएगी। तो गाइस देखिए, अभी पेमेंट जैसे सक्सेसफुल होगा, देखिए वहाँ पे टिकट बुक हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए टिकट हमारा आएगा, नीचे देखिए टिकट काउंटर आएगा और ऐसे करके आप एक आ गया और ये दूसरा भी आ गया। टिकट दिखाइए। तो गाइस ये देखिए मेट्रो का टिकट है QR कोड के साथ। ये वाला आपको स्कैन करना है, आपको इससे अंदर जाने मिल जाएगा। तो अब गाइस पहले कॉइन मिलता था, अब ये मिलता है। तो एक कॉइन मिलता है, ऑफलाइन मिलता है कॉइन। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग मेट्रो स्टेशन में घुसे वैसे ही हमारी मेट्रो आ चुकी थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो हम लोग जल्दी जल्दी मेट्रो पकड़ने के लिए जा रहे थे और आज जैसे कि 15 अगस्त था तो 15 अगस्त की वजह से भीड़ बहुत कम थी, वरना इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि मतलब घुसने तक की जगह नहीं मिलती, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। और अंदर में भी, मेट्रो के अंदर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है कि बैठने तक का जगह। तो ये गाइस ब्लू लाइन है मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में जाना में मतलब लोगों को बहुत तकलीफ होती है। फॉलो करना चाहते हैं ना तो ब्लू लाइन, वहाँ पे लाइन सिस्टम दिया गया है। आप अपना देख लो, स्टेप को देख देख के आप फॉलो कर पाएंगे। तो जैसे कि अभी हमें ब्लू लाइन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चढ़ना है, तो ये देखिए हमें जिस ये पैर की जो फिंगर है, ये जो हमें जहाँ ले जाएंगे हम वहाँ जाएंगे। आज मेट्रो में भीड़ भी कम है क्योंकि आज 15 अगस्त है ना, इसलिए चलिए आज घूमने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इधर देखो दीक्षु, तो कैसा लग रहा है आपको मेट्रो में? मेट्रो में तो मज़ा ही आता है, अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं रहता अंदर में। मेट्रो स्टेशन के अंदर में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत जल्दी पहुँच गए। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, जल्दी उतरते हैं वरना फिर लिफ्ट में अंदर। यहीं पे खड़ा होने का जगह भी नहीं मिलता है। और दीक्षु से पूछे, मुझे वो खाना है। और अभी अच्छा, और अभी पता है फ्रेंड, एक बात आपको बताना चाहते हैं, मेट्रो में ही सफ़र करना दिल्ली में सही है, बाइक में अभी तो हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है।
तो चलिए थोड़ा आगे मिलते हैं फिर आपसे, तो बाय कर दो दीछो। गाइस ये मेट्रो का बाहर का है, आप देख सकते हैं इतने जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म आ भी जा रहा है। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? तिलक नगर। दीक्षू तो अभी आप कहाँ पहुँच गए दीक्षू, जल्दी से बता दो ब्लॉक को। तो गाइस अभी हम लोग अक्षरधाम स्टेशन पहुँच चुके हैं मेट्रो, अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद हमें क्या मिलने वाला है दीक्षू? मंदिर मिलने वाला है, मंदिर मिलने वाला है। तो अब हमें ऑटो ऑटो लेने की जरूरत नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे अक्षरधाम स्टेशन है ना मेट्रो स्टेशन, उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको अक्षरधाम मंदिर पड़ेगा। तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट में पहुँच जाएगा, वरना अगर ऑटो ऑटो लेते तो बहुत ज़्यादा लोग आपको ठग सकते नया नया देख करके। तो देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है अक्षरधाम घूमने के लिए, तो चलिए हम लोग यहाँ से पहले एग्जिट करते हैं, फिर हम अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर आप, हाँ कितना ज़्यादा भीड़ है गाइस निकलने के लिए, कितना ज़्यादा भीड़ है दीक्षू। आखिरकार हम लोग पहुँच ही गए अक्षरधाम स्टेशन ना। तो फ्रेंड अभी हम लोग अक्षरधाम स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और हमने अभी साइकिल रिक्शा लिया है। तो गाइस मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बरसात हो चुका है ना, तो जिसके वजह से मौसम काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अगर आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले तो 10 रुपये सवारी है, कभी कभी वो 20 रुपये भी लेते हैं, आप 30 रुपये में कपल्स बुक करके रिक्शे से जा सकते हैं, काफ़ी नज़दीक है, वॉक करना भी सही रहेगा, बट अगर आप कपल्स हैं तो उतना पैदल किससे चलना, आप आराम से साइकिल रिक्शा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं बाहर का भीड़ है काफ़ी ज़्यादा है, बट काफ़ी नज़दीक है, आप होपफुली आप साइकिल रिक्शा लें और बैक कैमरा ऑन करके हम आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये साइकिल रिक्शा है और बाहर इस तरफ से मेट्रो था और इस तरफ आप देख सकते हैं मंदिर है। हाँ मंदिर और है, मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है, मैं तो आगे का वीडियो हम लोग नहीं बना पाएंगे, तो हमारा ब्लॉग यहीं पर रहेगा, मंदिर का हम आपको यहीं से दिखाने का कोशिश करेंगे। जब भी आए दिल्ली तो अक्षरधाम मंदिर जरूर आए। और आप देख सकते हैं आज 15 अगस्त है, काफी ज्यादा लोग में उत्साह है, बहुत उत्साह के साथ लोग यहाँ पे आए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मेट्रो तो काफ़ी खाली था बट अक्षरधाम के लिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाए हैं। और अब यहाँ से मंदिर का द्वार स्टार्ट होता है फ्रेंड, आगे से आप देख सकते हैं। और दिल्ली में अगर आएँ तो आप अपने सामान की और खुद की सुरक्षा खुद रखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रॉड भी होता है। तो चलिए अब आ चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से उतरते हैं, उतरने के बाद आपको मंदिर का व्यू दिखाएंगे। बोलो ये सड़ा सा चेहरा इसका जरूर दिखाएंगे वीडियो में गाइस, खूबसूरत सा चेहरे के पीछे देख सकते हैं आप, तो ये मुख्य द्वार है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना बैग लगेज वगैरह दिखा के एंट्री करना है। और दीक्षू तो खो गई है, मेरे से बात भी नहीं कर रही है, क्योंकि जब भी दीक्षू मंदिर वगैरह में आती है तो अपने श्रद्धा में लीन हो जाती है। हाय दीक्षू, देखिए सुनेंगी भी नहीं, अच्छा सुन ली। तो अब बाकी का जो कार्यक्रम है, बाकी का जो बात है, वो दीक्षू बताएगी आपको। गाइस जैसा कि मैं पहले भी आई हूँ 4 साल पहले, और हस्बैंड जी के साथ पहली बार आ रही हूँ, 4 साल पहले मम्मी लोगों के साथ आई थी, तो उस टाइम भी यही था कि जाना है, चलना है, बैग चेक करवाना है, उसके बाद फिर आपका सारा बैग जमा हो जाएगा, फ़ोन वोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ कुछ भी नहीं ले जाना है, कुछ भी नहीं, बैग वैग सभी बैग, यहाँ तक कि छाता भी नहीं लेके जाना है, खाने का सामान तो लेके ही नहीं जाना। और उधर देखिए, उधर जमा हो रहा है बैग। अच्छा लग रहा है फ्रेंड, मतलब आज का दिन जो 15 अगस्त का शुभ अवसर पे हम लोग अक्षरधाम मंदिर आए, अच्छा लग रहा है। हमारा सुबह सुबह जाने का प्लानिंग था 15 अगस्त पे, म्यूजिक भी यहाँ काफी अच्छा हो रहा है।
ठीक है चलिए मोबाइल वगैरह जमा करवा देते हैं। बाय मोबाइल, मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाऊंगी, प्लीज उदास मत होना ना। फ्रेंड यहाँ आपको अपना बैग, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच यहाँ पे आपको जमा कराना है, और जमा कराने के बाद जो आपको कूपन मिलेगा वो अपने पास ज़रूर रखें अच्छे से, और उसी कूपन से आपको आपका सामान भी वापस मिलेगा। फ्रेंड अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, क्योंकि हमने फ़ोन तो जमा कर दिया। ये रही कुछ फ़ोटो अंदर की, तो गाइस जब हम पूरा अंदर घूमने के बाद जब हम बाहर आएंगे तो हम आपको बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड हमारा मंदिर का दर्शन कंप्लीट हुआ, और पीछे आप देख पा रहे हैं वहाँ से हमने अपना सामान वगैरह ले लिया। तो गाइस हमें पता नहीं था कि इंडिया में हमारा हिंदुओं का इतना अच्छा मंदिर है। गाइस आप भी आएँ, एक्सपीरियंस करें और इंजॉय करें, और श्रद्धालुओं का अंदर ना फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि अगर अंदर फ़ोन लेके जाते तो इतना सुंदर सुंदर मतलब दृश्य था वो देख नहीं पाते, फ़ोन में फ़ोटो ही क्लिक करवाते रह जाते, फ़ोटो ही लेते रह जाते। तो चलिए अच्छा होगा कि फ़ोन से हम 3 घंटे दूर रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं पे समाप्त, ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि 3 घंटे फोन से दूर रहे। हाँ तो फ्रेंड चलिए ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।